से ये मीठा होता है। पैसेंजर को ब्रेकफास्ट दिया जा रहा है। जो भी चीज दिया गया वो पैक्ड है, सिर्फ यही जो था ये पैक नहीं था। तो पहले छोटे, हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सभी की। सो आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 20833 विशाखापट्टनम सिकंदराबाद वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में, जो कि वीक में 6 दिन चलती है विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के बीच में, संडे को छोड़कर। अगर मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूं तो ये जो ट्रेन है ना, सुबह 5:45 पे विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 से निकलती है और आपको सेम डे दोपहर में 2:15 पे सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंचाती है। तो अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं एसी चेयर कार कोच में और आज जो है हम लोग की जो जर्नी है इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में होने वाली है एसी चेयर कार कोच में। वैसे इस ट्रेन में दो तरह का कोच होता है, एक एसी मतलब इक्विटी क्लास का कोच और एक होता है सीसी। तो आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं सीसी कोच में। तो वैसे सीट जो है अपना वो 18 नंबर है और मैं आपको पहले दिखा देता हूँ इंटीरियर। वैसे इससे पहले आपने वंदे भारत की जर्नी देखी होगी तो सीसी कोच इसी कोच का दोनों का इंटीरियर आपने देख लिया है, लगभग मतलब सेम ही रहता है, कुछ चेंजिंग नहीं है। वो सीट का कलर वगैरह थोड़ा बहुत चेंज रहता है। वैसे देखिए अगर आप सीसी कोच में ट्रेवल करते हैं तो क्या होता है कि लेग स्पेस जो है ना आपको सीसी कोच में थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा इसी कोच के अकॉर्डिंग। ये देखिए सामने में आपके सीट के सामने एक फुट रेस्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पे अपना फुट को होल्ड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे एक बोतल होल्डर है, ये मैगजीन सॉकेट है और ये रहा ट्रे जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट डिनर लंच वगैरह कर सकते हैं। कोई काम वगैरह भी करना है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं लैपटॉप वगैरह से। और आपके जस्ट हेड के ऊपर में देखने को मिलेगा ये टच लाइट और यहाँ पे आपके सीट के जस्ट नीचे में दो चार्जिंग सॉकेट दिया गया है जहाँ फोन वगैरह लैपटॉप वगैरह आप चार्ज कर सकते हैं, मतलब पर सीट के हिसाब से चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। साथ ही सीट को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक स्विच दिया गया है, इसे आप प्रेस कीजिएगा तो आपका सीट जो है वो पीछे एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए ये तो ये है एसी चेयर कार कोच का इंटीरियर। और हाँ ऊपर में लगेज स्पेस है, आप लगेज वगैरह ऊपर रख सकते हैं। कोच के दोनों साइड में इस तरह का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, एक इधर और एक उस साइड, जहां आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि भाई अगला स्टेशन कौन सा आने वाला है, कितने देर की हॉल्ट है, कितने किलोमीटर के बाद अगला स्टॉप आने वाला है। साथ ही यहां पे आप बात देख सकते हैं वॉशरूम इंगेजिंग इंडिकेटर दिया गया है। वॉशरूम वगैरह अगर इंगेज होगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि भाई वॉशरूम इंगेज है। जैसे देखिए ये वॉशरूम अभी इंगेज हो गया, ये रेड हो गया। साथ ही फायर अलार्म वगैरह इसमें लगाया हुआ है। अभी टाइम हो रहा है 5:47 और डिपार्चर का टाइम हो चुका है। तो ट्रेन निकलते ही सबसे पहले आपको, आप देख सकते हैं ये पानी का बोतल सभी पैसेंजरों को दिया जा रहा है। थैंक यू। मॉर्निंग टी में आपको मिलेगा ये हॉट वाटर, साथ ही ये यूनिबिक का बिस्किट और चायोस का मसाला चाय। तो चलिए चाय को करते हैं तैयार। आज का चाय बढ़िया नहीं बना, मुझे रीजन पता है क्या? रीजन ये है कि पानी का क्वांटिटी ज़्यादा था और हमने कम भी नहीं किया, गलती मेरी है। वैसे जब भी ट्रेन में जर्नी कीजिए तो ध्यान रखिएगा पानी ग्लास में भर के दिया जाता है पूरा, कोशिश कीजिए उसको आधा कप रखें और उसमें पूरा पैकेट डालिए चाय उसका या जो भी पैकेट चाय का मिलता है उसको, तब जाकर चाय का ना असली टेस्ट आए। लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का पहला हॉल्ट राजमुंद्री रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है RJY और यहां पे इस ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। वैसे इस रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन का पहुंचने का टाइम है सुबह के 7:55 पे, ये ट्रेन यहाँ पहुंचती है। और ये जो रेलवे स्टेशन है ना ये आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। वैसे अपनी ट्रेन टोटल 700 किलोमीटर की दूरी तय करती है 4 हॉल्ट के साथ लगभग 8:30 पे। राजमुंद्री रेलवे स्टेशन से पहले आपको टी वगैरह सर्व कर दिया जाता है और राजमुंद्री रेलवे स्टेशन के बाद ब्रेकफास्ट दिया जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अंदर क्योंकि ऑटोमेटिक डोर है और 2 मिनट का हॉल्ट है। तो भाई राजमुंद्री रेलवे स्टेशन से निकलते ही देखिए सभी पैसेंजर को ब्रेकफास्ट दिया जा रहा है और ब्रेकफास्ट में आपके पास चॉइस होता है वेज और नॉन वेज का।
हाँ कुछ देर में हम लोग क्रॉस करने वाले हैं गोदावरी रिवर, तो चलिए मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ वंदे भारत से गोदावरी रिवर का। भाई अपना ब्रेकफास्ट आ चुका है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा। हमने लिया है नॉन वेज ब्रेकफास्ट, तो इसमें आपको मिल जाएगा ऑमलेट, ब्रेड, टोमेटो केचप, बटर, ब्रिटानिया का केक और एप्पल जूस, साथ ही चायोस का चाय, ठीक है। और अगर आप वेज लीजिएगा तो उसमें मिल जाएगा आपको उपमा, कटलेट, एप्पल जूस, चायोस का चाय, टोमेटो केचप और ये चटनी, ब्रिटानिया का केक। ये है वेज और ये है नॉन वेज ब्रेकफास्ट। तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं ऑमलेट, देखते हैं ऑमलेट कैसा है इस ट्रेन का। वैसे जो भी चीज़ दिया गया वो पैक्ड है, सिर्फ यही जो था ये पैक नहीं था। तो पहले इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको कैसा है। सही है, ऑमलेट जो है ना वो बिल्कुल गर्मा गर्म। अब हम लोग कटलेट ट्राई करते हैं। सही है भाई, कटलेट भी सही था। उपमा ट्राई करते हैं। भाई साहब A1, मज़ा आ गया। चलिए फटाफट हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो ये रहा अपना ब्रेड कटलेट, हमने तैयार कर लिया, साथ में केचप है और बटर है और ये इसके साथ एप्पल जूस, ये हमने अभी ट्राई किया था, ये सही है। तो भाई लगभग 350 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BZA और यहां पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग ट्रेन यहां पहुंची है लगभग 10 मिनट बिफोर। वैसे विजयवाड़ा में अपनी ट्रेन का पहुँचने का टाइम है सुबह के 10 बजे और विजयवाड़ा जो है ये आंध्र प्रदेश में आता है, प्लेटफॉर्म यहाँ 10 है। तो चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में बताता हूँ। विशाखापट्टनम सिकंदराबाद वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलती है 14 इसी चेयर कार के कोच के साथ और साथ ही 2 AC कोच के साथ, मतलब 14 CC 2 AC। अगर मैं फेयर की बात करूँ तो अगर आप AC चेयर कार कोच में ट्रैवल कीजिएगा, जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद, तो उसका फेयर आपको लगेगा लगभग 1720 रुपीज़। और अगर आप इसी कोच में ट्रैवल कीजिएगा मतलब एग्जीक्यूटिव क्लास में, तो उसका फेयर लगेगा आपको लगभग 3200 रुपीज़ और इसी फेयर में ब्रेकफास्ट लंच वगैरह इंक्लूड रहता है। भाई सेंसर वाला डोर किस तरह से काम करता है ये देखिए, अपने वो पैसेंजर है वो बता रहे हैं, ये क्लोज हो गया। Yeah, open. देख लीजिए किस तरह से सेंसर वाला गेट काम करता है, वर्क करता है। यू स्टैंड हियर, दे ऑटोमेटिक क्लोज। अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं विशाखापट्टनम सिकंदराबाद वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम में और वॉशरूम में आते ही सामने में आपको एक बड़ा सा मिरर देखने को मिलेगा। और हाँ, स्मोकिंग नहीं कीजिएगा क्योंकि स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है इस वॉशरूम में। और ये प्यारा सा डिस्पेंसर, वाटर डिस्पेंसर है, सिंक है और यहाँ पे है सोप डिस्पेंसर और ये रहा हैंड ड्रायर, ये हैंड ड्रायर है। और हैंड ड्रायर के जस्ट ऊपर में आपको एक फायर एक्सटिंग्विशर देखने को मिलेगा और ये रहा बेबी सीटर। वॉशरूम की कंडीशन की बात करूँ तो भाई आज पहला कमर्शियल रन है, तो वॉशरूम कंडीशन अभी तक तो ठीक ठाक है। आपको बताए
हमको एक दीवान जी मिले थे कानपुर के, एक बार मेरे को पेला है अभी सुनिए। जो डॉगी की तरह सिगरेट सुन ले जाता है, क्या पता है जो सिगरेट सुन ले जाता है। अरे कुछ नहीं है, क्या पता है मैं जब सुनूंगा। लगभग 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट खम्मम रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है KMT और यहां पे इस ट्रेन का सिर्फ एक मिनट का हॉल्ट है। वैसे खम्मम में अपनी ट्रेन का पहुंचने का टाइम है सुबह के 11 बजे, लेकिन हम लोग ट्रेन यहां पहुंची है लगभग 40 मिनट डिले। और खम्मम रेलवे स्टेशन ये आता है तेलंगाना में। नॉनवेज में आपको मिल जाएगा ये दाल, और दाल देखिए कितना गाढ़ा है, इसमें कड़ी पत्ता टमाटर वगैरह दिया गया है, और साथ ही ये है चिकन। और भाई चिकन भी देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है, इसमें देखिए तेज पत्ता वगैरह डाला गया है, ग्रेवी देखिए इसका। और ये है राइस, प्लेन राइस है, साथ ही दही दिया गया है, और उसके बाद दिया गया है ये अलग चीज़ है, ये देखिए मीठा में बालूशाही दिया गया है। वैसे आपके पास ऑप्शन रहता है सोन पापड़ी भी ले सकते हैं, ये देखिए बालूशाही सही चीज़ है ये। साथ ही गर्मा गर्म दो पराठा दिया गया, और पराठा का क्वालिटी भाई एक नंबर लग रहा है, ये देखिए क्या क्वालिटी है पराठा का, और ये गर्म है भाई। साथ ही अचार दिया गया है, सैनिटाइज़र दिया गया है, और एक नमक का पैकेट दिया गया छोटा सा। और वेज में आपको मिलेगा चिकन के जगह ये पनीर की सब्ज़ी। चलिए सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं दाल, देखते हैं दाल की क्वालिटी कैसी है। दाल की अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ ना, तो दाल काफ़ी ठीक है, पानी तो भाई इसमें नज़र आ ही नहीं रहा। नमक हल्का कम है, लेकिन इसके लिए आपको अलग से नमक का पैकेट दिया गया, वो आप ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से खा सकते हैं। दाल एक नंबर है। अब ट्राई करते हैं चिकन, देखते हैं कैसा है। ये रहा चिकन, चिकन भी काफ़ी सॉफ्ट है, लेकिन इसका ग्रेवी जो है ना हल्का मीठा मीठा लग रहा है, ग्रेवी इसका हल्का मीठा लग रहा है। और राइस गर्म है। वैसे ये जो खाना है ना, ये विजयवाड़ा में वोट किया गया था। अब हम लोग ट्राई करने वाले हैं बालूशाही, देखते हैं ये कैसा है। वैसे ये मीठा होता है भाई साहब, एक नंबर, काफ़ी सॉफ्ट है भाई। मतलब ऐसा बालूशाही हमने आज तक नहीं खाया था, मतलब मुँह में जाते ही घुल जा रहा है, बहुत सॉफ्ट है, एक नंबर। और ये है वेज थाली, तो चलिए इसमें ट्राई करते हैं हम लोग पनीर, देखते हैं पनीर की सब्जी कैसी है। पनीर का भी मतलब ओके ओके कह सकते हैं, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है। इसका ग्रेवी जो है ना, उसमें नमक नहीं लग रहा, बस वही है ना, अलग से नमक वगैरह इसमें ऐड करना पड़ेगा, और थोड़ा सा पनीर स्पाइसी है। तो चलिए फटाफट हम लोग लंच कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर आपसे। भाई लंच करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट वारंगल रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे इस ट्रेन का सिर्फ एक मिनट का हॉल्ट है, और हम लोग ट्रेन यहाँ पहुंची है लगभग 50 मिनट डी। वैसे वारंगल रेलवे स्टेशन पे पहुंचने का टाइम है इस ट्रेन का 12:05। तो चलिए लंच को कंप्लीट करते हैं, अब इसको खाना को छोड़ के भाई बाहर तो नहीं जा सकते हैं, वैसे भी सिर्फ एक मिनट का हॉल्ट। और जस्ट आपके कोच के सामने में मिनी पेंट्री देखने को मिलेगा, जहाँ आप देख सकते हैं ये हॉट केस वगैरह दिया गया है, जहाँ पे खाना वगैरह गर्म किया जाता है। और नीचे में ये रहा डीप फ्रीजर, बोतल कूलर, और यहाँ पे पानी का बोतल वगैरह रखा हुआ है। ब्रेकफास्ट डिनर लंच वगैरह यहीं से आपको सर्व किया जाएगा।
फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन और ट्रेन जो है हम लोग यहाँ पहुंचा है लगभग 15 मिनट डिले। इससे आपको इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी के बारे में पता चल गया होगा कि विशाखापट्टनम सिकंदराबाद वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कितनी पंक्चुअल है। वैसे इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है सिकंदराबाद में दोपहर के 2:15 पर ट्रेन यहाँ आती है। और मैं खाने पीने की बात करूँ तो इस ट्रेन में जो खाना दिया गया, लंच हो ब्रेकफास्ट हो, तो मतलब काफ़ी बढ़िया था, खाने लायक था, आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ठंडा आपको खाना मिलेगा लेकिन कोई नहीं, मैनेज कर सकते हैं। हाँ, दाल में थोड़ा नमक कम मिलेगा और आपको चिकन जो दिया जाता है उसका ग्रेवी में हल्का मीठा लगेगा, तो अलग से नमक दिया जाता है, वो आप ऐड करके खा सकते हैं। हाँ, मीठा में जो दिया गया था ना बालूशाही वालूशाह, उसके बारे में क्या ही बात करें, मतलब काफ़ी बढ़िया था। तो कैसी लगी आपको ये वंदे भारत की कमर्शियल जर्नी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले जर्नी में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार इसी तरह भाई के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, डिनर पीस, बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू। मैं आपको इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में बताता हूँ। विशाखापट्टनम सिकंदराबाद वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलती है 14 सीसी कोच और साथ ही 2 ईसी कोच, मतलब एग्जीक्यूटिव क्लास कोच के साथ। अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं इंड टू इंड, मतलब विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद एसी चेयर कार कोच में, जिसमें मैं ट्रैवल करता हूँ,